दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की चीज है। इसने हमें सैटेलाइट्स, स्मार्टफोन्स और ब्रह्मांड में झांकने के लिए बड़े बड़े टेलीस्कोप्स और स्पेस ट्रेवल करने की क्षमता दी है। लेकिन बहुत सी चीजें हमारी पृथ्वी पर ही हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों की नाक में दम किया हुआ है। ये ऐसी जगहें हैं जिन्हें कई सालों से समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। इनमें पुराने बंदरों से लेकर सीक्रेट मिलिट्री कैंप्स तक शामिल हैं, और इनके बारे में तमाम कंस्पिरेसी थियरीज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो कौन सी ये जगहें हैं और क्या है इनकी पहेली, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। कैसोर्सो, इटली। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर जीवन के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया है, तो इटली की ये जगह आपके इस भ्रम को तोड़ देगी, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ मौजूद है, एक मुलबेरी ट्री। लेकिन इसके बारे में जो खास बात है वो ये है कि इस पेड़ के ऊपर एक और पेड़ उगा हुआ है, एक चेरी ट्री। ये दोनों ही अलग अलग स्पीशीज हैं। हमने अब तक सिर्फ ये तब देखा है जब एक बेल किसी दूसरे पेड़ पर उग जाती है, लेकिन दो पेड़ों का इस तरह मौजूद होना बहुत ही रेयर और आज तक सिर्फ एक बार ही देखा गया है। इस जगह को जो चीज और खास बनाती है वो एक छोटा सा फैक्ट। जब भी कभी कोई बेल किसी पेड़ पर उगती है तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, यानी वो उस पेड़ का बनाया खाना खा रही होती है। अब ऐसा यहाँ हो रहा होता तो नीचे वाला पेड़ सूख जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक पेड़ को पानी और बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए अपनी जड़ों को जमीन में रखना जरूरी है, वरना वो सूख जाएगा। लेकिन ऊपर वाला पेड़ भी अभी तक नहीं सूखा है। ये पेड़ साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है और लोगों के लिए एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और अब तक सरकार ने इसके आसपास फेंस भी लगवा दिए हैं और इस पर चढ़ने पर भी रोक है, ताकि इन पेड़ों को कोई नुकसान ना हो। सन टेम्पल। जब भी आप इजिप्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने वहां के बड़े बड़े पिरामिड्स की छवि आती है, और इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड है गीजा का पिरामिड, जिसे देखने लोग दुनिया भर से आते हैं। लेकिन इस पिरामिड से सिर्फ 20 मिनट आगे ड्राइव करके आप अबू घराइब पहुंचते हैं, जहां कुछ और ही चौंकाने वाला मौजूद है। अबू घराइब में सन टेम्पल के अवशेष हमें मिलते हैं, जो कि इजिप्शियन गॉड रा की स्मृति में बनाया गया था। माना जाता है कि एक वक्त पर यहाँ पर ऐसे 6 टेम्पल्स मौजूद थे, और ये टेम्पल 2500 साल पुराना है। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका आर्किटेक्चर। इसे जिस रेड ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है उसमें बहुत ही बारीक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। इन पत्थरों की पॉलिशिंग इतनी साफ है कि इन्हें मॉडर्न मशीन्स के बिना बनाना संभव है। साथ ही इस टेम्पल में कई होल्स हैं जो अंदर से काफी स्मूथ हैं। मॉडर्न ड्रिलिंग के बिना इस तरह की स्मूथ फिनिश अचीव करना भी कोई आसान बात नहीं है। एक और बात जो यहाँ पर अजीब है वो है यहाँ के कुछ पत्थर जो एक मॉडर्न इंजन की गियर की शेप में है। या तो ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, या फिर 2500 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा था जिसके बारे में अब कोई नहीं जानता। बारसा केलमिस, कजाकिस्तान। बारसा केलमिस एक वक्त पर एक आइलैंड हुआ करता था, लेकिन घटते हुए वाटर लेवल के कारण अब ये एक प्लेटियो है। कजाकिस्तान के इस फॉर्मर आइलैंड को द आइलैंड ऑफ नो रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोगों के मुताबिक यहाँ जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। इस जगह को 1939 में एक नेशनल रिजर्व घोषित कर दिया गया था और एक जगह लोगों के लिए बंद कर दी गई थी, और यहीं से इसके बारे में काफी थ्योरीज बननी शुरू हुई। 1939 में कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और हर देश इस वक्त मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बनाने की फिराक में लगा हुआ था। ऐसे में सोवियत का इस जगह को बंद करना कई लोगों को खटका। लोग मानते हैं कि इस जगह कई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। आज भी अगर आप इन जगह पर जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी कार का GPS सिस्टम यहाँ जाकर काम करना बंद करेगा। सभी कंपास गलत दिशा बताने लगेंगे। यहाँ जाकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये जगह आपको अंदर आने से रोक रही हो। एक और कहानी जो इस जगह के बारे में पॉपुलर है वो ये है कि जब इस जगह को खोला गया था तब 3 लोग यहाँ पर बंजारों की तरह रहने लग गए थे। उन्हें लगा कि वो वहाँ 1 साल बिता कर आए हैं, लेकिन जब वो लौटे तो 30 साल बीत चुके थे। पिरामिड ऑफ कुकिल्को, मैक्सिको सिटी। अगर आपको लगता है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में है तो आप गलत हैं। कुकिल्को का पिरामिड मैक्सिको में पाया गया है। इसके अस्तित्व ने दुनिया को हैरान कर दिया था। ये पिरामिड करीब 3200 साल पहले अग्निदेव के लिए बनाया गया था।
ये पिरामिड कई सारे सवाल खड़े करता है, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि क्या ये पिरामिड यहाँ के लोगों ने खुद बनाया था। हम समझ सकते हैं कि इजिप्ट में पिरामिड बनाने की टेक्निक थी, लेकिन क्या इजिप्ट से हजारों मील दूर समंदर पार मैक्सिको में भी लोगों ने पिरामिड बनाने की तकनीक को एक इत्तेफाक की तरह डिस्कवर कर लिया? क्योंकि ये लोग कभी आपस में मिले ही नहीं होंगे। दूसरा सवाल ये है कि पिरामिड ही क्यों और कुछ क्यों नहीं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पिरामिड को बनाने वाले लोग यहाँ पर 2000 साल पहले तक मौजूद थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ और जिसने बहुत सी पॉपुलेशन को इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वो मैक्सिको के अलग अलग कोनों में जाकर बस गए। टेम्पल ऑफ आंड्रा सीरिया। आपने शायद पहले कभी सुना होगा कि सीरिया में कई सारे एंशिएंट टेम्पल्स पाए जाते हैं। इन टेम्पल्स में कईयों को ISIS के आतंकवादियों ने नष्ट कर दिया है, लेकिन ये सभी मंदिर अपनी अलग कहानी कहते हैं और इन्हीं में से एक टेम्पल है टेम्पल ऑफ आंड्रा। इस टेम्पल के बारे में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ पैरों के निशान मौजूद हैं जो इंसान के पैरों से काफी बड़े हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पैरों के निशान इस मंदिर जितने ही पुराने हैं, जो कि 3300 साल पुराना है। अब सवाल ये है कि ये पैरों के निशान किसके हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ये निशान इंसान ने जानबूझकर बनाए थे ताकि मंदिर के अंदर जाने का रास्ता दर्शाया जा सके, जबकि वहाँ के लोग मानते हैं कि इस मंदिर को कभी किसी बड़े देवता ने विजिट किया था जिसके पैरों के निशान हैं। एक पॉपुलर कहानी ये भी है कि ये पूरा मंदिर ही बड़े साइज वाले जायंट ने बनाया था, लेकिन अब तक इन निशानों के पीछे की वजह किसी को समझ में नहीं आई है। इस टेम्पल को 2018 में तुर्की की एयर रेड के वक्त काफ़ी डैमेज सहना पड़ा था और अभी इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। तो ये थी हमारी लिस्ट उन जगहों की जिन्होंने आज भी बहुत सारे वैज्ञानिकों को चक्कर में डाला हुआ है। अब इनका राज कभी खुलकर सामने आएगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आप हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बता सकते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।